कि तुम्हारे की डेंगू का लक्षण है आपके, तो देखते हैं एक दो दिन बाद मैं भी जाऊँगा। गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो हम लेके आपके लिए बहुत ही प्यारा सबल, तो वो लोग कहने के जरूर देखना। और आज उठ गए और बोली जी आज पता नहीं अचानक से तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार आ गई रात को, पता नहीं क्या हो गया। तो चाय वाय भी पिला दिन को, बोले देख सकते हो गाइज मान व्यक्ति की हालत देखो, बहुत तेज बुखार आ रही है अभी तक भी। एक ही लापरवाही थी, वो उड़ी सुबह 1200 आउट ना जट फ्रिज में पानी पी ठंडो जो वही ला। डॉक्टर के पास जाऊँगा, सर रात ही होगी से बुखार आती टाइम पे, तो कहीं लेकर चिकित्सा। और रात तो गोलू जी को तो बुखार आ ही रही थी, आज पूरी रात हो गई, अभी डॉक्टर को दिखाने जाएंगे गोलू जी के। और गोलू जी का तो बिल्कुल ही हालत ख़राब हो रही है, इतनी खतरनाक बुखार आ रही है रात से, जिसका कोई जवाब नहीं है। क्या पता, मतलब ही गर्मी से वो उधर काम करके आते हैं फिर वापस आके फ्रिज का पानी पी जाते हैं ना, इसलिए बुखार आ गई शायद उनके। तो गाय जब डॉक्टर को दिखाने जाएंगे। देखो गाय दो दो तीन तीन ओडे से पैर भी जो है, देखो एक तो ही हो, एक दो दो ओडे हो, खाल तो तीन तीन ओडे जो रात में, तो आई करा खड़ा का लिख के चवाई तो किस्मत में मार हो जाती ताल की, तो दखा वाले चाल तो मुँह काय कर सको, तो मोटरसाइकिल चलाओ ना बंद। अभी वही डर लाग रहे थे भाई, कुल मोटरसाइकिल चला ले जाओ लो, मुखाड़ो बना रही छो ना है ना, फिर कानो खा पे डॉक्टर दिखाओ चलेंगा ना। क्यों अच्छा वो कौन जी रोड ना खाओ, रोटी बना लीजू और फिर डॉक्टर को दिखाओ चलेंगे देखा। तो गाइज मैं रोटी बना दी गोलू जी के लिए, तो मना कर रहा था कि मेरे को तो भूख ही नहीं है, लेकिन तो गाइज मैं तो ना दो के फ्री हो गई हूँ। और गोलू जी की हालत देख सकते हो आप, देखो गाइज क्या करें। और अब जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाएंगे, और इसकी शक्ल देखो एक बार, देखो इसकी शक्ल कैसी हो रही है। तो गाइज चलते हैं फिर मिलते हैं आपसे। गाइज आ गए वो हॉस्पिटल के बाहर और अब वो रुक गए हैं अंदर। देख लो तो बढ़िया है, देख लो तो बढ़िया है। तो गाइज हम हॉस्पिटल से जाके वापस आ गए, और उसने डॉक्टर साहब ने हमारी मतलब सुई लगाए मेरे, और ये गोलियां दिया है, बहुत सारी गोलियां दी थी इधर, और अब तो थोड़ा ठीक हूँ, लेकिन सुबह तो मेरी हालत बिगड़ गई थी बहुत खतरनाक। और वहाँ तो पूरा ब्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आपको पता है इतना अच्छा नहीं लगता भाई यहाँ ब्लॉग बनाए हो, इसलिए ब्लॉग नहीं बना पाए वहाँ। तो गाइज अब मैं ठीक हूँ थोड़ा बहुत, और अब घर पाया हूँ, और अब मैं थोड़ी देर सोऊंगा क्योंकि मुझे बस बुखार के अंदर सिर्फ एक ही होता है, बस सोने सोने काम ही बुखार के अंदर, और ना तो खाने की इच्छा होती है ना घूमने की कुछ इच्छा नहीं होती, बस सोने सोने की इच्छा होती है। तो मैं अभी गोली ले आऊँ। वो बताए थामला तेरी को मतलब बुखार उतर जाता उतरता है ना, थामला पर जो तारी अच्छी का आना और ये जो काम करना है। हाँ जी सही कह रहे हो, थामला पर जो तो लगे भाई जी गोलियाँ दिया है, ये तो ये गोलियाँ दिया है कि इनको ले लेना और अच्छा हो जाएगा, तो देखते हैं इनको लेते हैं फिर देखते हैं। अगर उसने दोबारा बुलाया तीन दिन का कोर्स दिया है, अगर भाई तीन दिन के अंदर मट जाएगी तो ठीक है, नहीं मटेगी तो फिर तू वापस आना, तो देखते हैं मटती है नहीं मिटती, अगर नहीं मिटेगी वापस जाना पड़ेगा भाई। मतलब डॉक्टर साहब ने ये बोला है कि ठंडी चीज़ बिल्कुल मत खाना, पानी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल मत पीना, ये बहुत ही ख़राब इस टाइम, तो आप भी अगर घर के अंदर कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसे पीते हो मत पीना, क्योंकि तो आपके छोटे बच्चे हो या आप हो, क्योंकि बहुत हमारे को पता है मतलब इतनी रात में सोया नहीं सह रात इतनी बुरी हालत हो गई थी, और तो डॉक्टर ने भी सिर्फ यही बोला है कि ये ठंडी चीज़ें बिल्कुल मत खाना। और गाई जी मतलब है ना वो बोल रहे कि आप मतलब डेंगू का थोड़ा थोड़ा लक्षण बता रहे डेंगू का, तो क्या पता डेंगू भी हो सकता है। तीन दिन बाद में वापस जाऊँगा, देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बताते हैं। तो गाइज गोलू जी को तो नींद आ रही है और सो रहे हैं, उनको फिर दिन के अंदर बुखार आ गई थी तो वो तो सो रहे हैं, और मैं पेड़ों में पानी चालू कर देती हूँ,
और इधर तो चालू कर रखा है मैंने, और इधर पानी चालू कर देती हूँ। तो गाइज मैंने इधर पानी चालू कर दिया है और इधर पिला रही हूँ पानी। देखो सूरज भगवान हाथ वालों जब तो देना 5:30 बज गई गाइज, शाम हो गई है। मैंने उधर पानी वानी पिला दिया पेड़ पौधों को, अभी तक तो पानी चल रहा है। और गोलू जी की तो मतलब दिन में तो बुखार उतर गई थी, वापस आ गई बुखार, तो सो रहे है। और मैं पेड़ों को पानी वानी पिलाकर मैं इधर आई हूँ, और अब मेरी पूजा पाठ करूँगी और खाना वाना बनाऊँगी। मेरी पूजा पाठ इधर चालू कर रही हूँ मैं, और गोलू जी तो सो रहे हैं। देखो कत्ते मुंडो उतर गए बिल्कुल ही, एक ही दिन गंवाए। तो गाइस देखो इनको अभी भी बुखार आ रही है अभी तक तो। तो गाइस मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ, खाना खा के फ्री हो गए, और खाना वाना तो खा लिया, और मैंने भगवान की पूजा भी कर ली। मैंने भगवान से मांगा है कि गोलू की तबीयत कभी भी खराब मत होना, जो भी हो मेरे को जाओ, लेकिन गोलू को कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने मतलब खाना भी बहुत थोड़ा सा खाया था, और बहुत टेंशन हो रही है क्या करें। तुम्हें बताइए कि ये डेंगू का भी वो चल रहा है, तो डेंगू का मतलब थोड़ा थोड़ा लक्षण है, अभी तक तो पूरी तो नहीं है, लेकिन आप हिसाब से रहना, डेंगू भी हो सकती है आपको। तो गाइस क्या करें, हमारे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो भगवान करेगा जो होगा। अब तो देखो गाइस कितनी सारी गोली आते इधर पड़ी नीचे पड़ी। गाइज मैं गोली ले लिया, और मैं खाना वाना खा के मैंने गोली ले लिया। अब मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ठीक है, कि मेरी बहुत तेज तबीयत खराब हो गई, इधर के अंदर बिल्कुल हालत नहीं थी मेरी, तो अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हूँ। अभी गोली वोले लेके फ्री हो गए हैं, और मेरे तो अभी भी चक्कर आ रहे हैं, और मतलब शरीर ही एकदम सुस्त हो रहा है। तो यार कुछ समझ नहीं आ रहा गाइज, और मतलब जुकाम भी हो रही है, और मतलब अगर बुखार नहीं मिटेगी, अगर मतलब और से डॉक्टर ने मुझे 2 दिन बाद में और वापस बुलाए, तो वापस जाऊंगा, देखते हैं फिर क्या बताता है। बोल रहा है कि तुम्हारे की डेंगू का लक्षण है आपके, तो देखते हैं 1-2 दिन बाद में वापस जाऊंगा और बताऊंगा आपको क्या होता है। अगर जाएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। तो गाइस करते हैं वीडियो की ये भी एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय, गुड नाइट।